नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 27 नवंबर तक 1 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण का रखा गया लक्ष्य। सीएम नीतीश ने की गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षा। बिहार के 3 जिलों में कीमती खनिज की तलाश में होगा खनन। बिहार के 9 जिलों से होकर गुजरेगा राज्य का दूसरा एक्सप्रेसवे। बीपीएससी के तहत 13,120 अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। अब चले बढ़ते हैं बिहार की शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के 3 जिलों में कीमती खनिज की तलाश में होगा खनन। बिहार में कीमती खनिज होने की जानकारी निकल कर के सामने आई है, जो कि फिलहाल बिहार के 3 जिलों में देखने को मिली है, जिसके बाद ही केंद्र सरकार ने भी इन 3 जिलों में खनन शुरू करने की अनुमति दे दी है। बिहार में क्रोमियम और पोटेशियम खनन के लिए सरकार नई कार्य योजना बना रही है। राज्य के खनन एवं भूतत्व मंत्री जनक राम ने बताया है कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों बिहार को क्रोमियम और पोटेशियम के 4 खनिज ब्लॉक मिले हैं। राज्य सरकार इन ब्लॉक से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करके शीघ्र इनकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू करेगी, जिससे कि रोजगार के अवसर सृजित होंगे। वहीं जिन जिलों में खनिज का काम शुरू होने वाला है, उसमें रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले का नाम शामिल है। बिहार के कई शहरों को मिला स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 में स्थान। हाल ही में राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें गंगा टाउन वाले नगर निकाय जिनकी आबादी 1 लाख से ज्यादा है, उसमें बिहार के कई शहरों का नाम सामने आया। इसके तहत इस सूची में मुंगेर को 2रा तो पटना को 3रा और हाजीपुर को 7वां स्थान मिला है, जिसको लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने खुशी जाहिर की है। इस बाबत उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में बिहार के अन्य शहर भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकाय में बिहार के कई शहर शामिल है, जो कि खुशी की बात है। पहले की अपेक्षा कई शहरों ने इस बार बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार में मिले कोविड-19 के 5 से कम मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 3 मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 37 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो किशनगंज में 1 और राजधानी पटना में 2 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,90,275 सैंपल की जांच की गई। वहीं कुल मिलाकर 4 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। जम्मू में अब दिखेंगे मुजफ्फरपुर के शाही लीची के पौधे। मुजफ्फरपुर की शाही लीची आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इस लीची ने देश से लेकर विदेश तक अपनी खास और अलग पहचान बना ली है। यही कारण है कि इन लीची के पौधों की मांग भी भारत के अलग अलग राज्यों में होने लगी है, जिसमें जम्मू कश्मीर का नाम भी अब शुमार हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार जम्मू कश्मीर की तरफ से लीची पौधे की मांग आई है। इस बाबत राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर SD पांडे ने बताया कि लीची के चयन के बाद इसके प्रसार को गति मिल रही है, जियो टैग मिला है। इसके साथ ही लंदन लीची भेजी गई है। आगे लक्ष्य है कि पूरे देश में इसका प्रसार, किसानों को प्रशिक्षण और निर्यात नेटवर्क मजबूत करना। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के तहत शाही लीची का चयन किया गया है। इसके साथ ही इसका दायरा बढ़ रहा है। बिहार में नवंबर तक बढ़ी कोरोना गाइडलाइन, नियमों का पालन नहीं करने पर होगी कार्रवाई। बिहार में कोरोना के मामले भले ही कम आ रहे हो, लेकिन राज्य सरकार सख्ती में ढील देने पर विचार विमर्श नहीं कर रही है। यही कारण है कि राज्य में कोरोना से बचाव के लिए 30 नवंबर तक सख्ती जारी रखा गया है। हालांकि इस दौरान सभी कामकाज पहले की तरह होंगे, लेकिन ध्यान रहे सभी काम कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करके करना होगा। इस दौरान दुकानों, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिष्ठानों के लोग हमेशा मास्क लगाए रहेंगे। इन प्रतिष्ठानों में आगंतुकों के लिए सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी। शनिवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह फैसला हुआ। राजगीर के कुंड स्नान करने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। सार्वजनिक वाहनों में सभी सीटों पर बैठकर सफर करना होगा। शादी विवाह में जुलूस की अनुमति नहीं होगी। नवादा में इस खिलाड़ी का बिहार टीम में हुआ चयन। बिहार के नवादा जिले के रहने वाले दीपक जल्द ही बिहार टीम में खेलते नजर आने वाले हैं। नवादा के इस खिलाड़ी का बिहार टीम में हुआ चयन। बिहार के नवादा जिले के रहने वाले दीपक जल्द ही बिहार टीम में खेलते नजर आने वाले हैं। नवादा के युवा होंडा क्रिकेट क्लब से खिलाड़ी दीपक कुमार का बिहार टीम अंडर-19 में चयन हुआ है। दीपक नवादा की तरफ से लगातार 3-4 वर्षों से अपनी टीम के लिए ओपनिंग बल्लेबाज का जिम्मा संभाल रहे। इतना ही नहीं, दीपक ने श्यामल सिन्हा अंडर-16 टूर्नामेंट में नवादा को चैंपियन बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्तमान समय की बात करें तो दीपक नवादा के सीनियर टीम के भी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर खेलते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि दीपक नवादा के गंज थाना चौक के रहने वाले महेश कुमार यादव के पुत्र हैं। सीएम नीतीश ने की गन्ना उद्योग विभाग की समीक्षा। दिल्ली से लौटे सीएम नीतीश ने गन्ना उद्योग विभाग की बीते दिन समीक्षा बैठक की। गन्ना उद्योग विभाग के सचिव एन सरवन कुमार ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभाग में किए जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही इस दौरान उन्होंने पेराई सत्र 2021-22 के लिए ईख मूल्य की दर का निर्धारण साल 2000
2010 से 2021 तक गन्ना मूल्य की दर, परिचालित चीनी मिलों की संख्या, चीनी मिलों की पेराई क्षमता, डिस्टिलरी की क्षमता आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान सीएम नीतीश ने कहा कि पिछले कई वर्षों से गन्ना के मूल्य में वृद्धि की गई है। सरकार के स्तर से ईख मूल्य अनुदान भी दिए गए हैं। गन्ना उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए गन्ना उद्योग को प्रोत्साहित किया गया। पटना के 6 इंजीनियर और डॉक्टर चढ़े पुलिस के हाथे। बिहार में शराबबंदी कानून की किरकिरी किस तरीके से हो रही है, इस बात का अंदाजा आप हर दिन अखबारों और टीवी चैनलों पर चल रही खबरों को देखकर और पढ़कर लगा सकते हैं। हालांकि अब तक यही उम्मीद जताई जा रही थी कि बिहार के युवा और अन्य लोग इस कानून का पालन करेंगे, लेकिन ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। यही कारण है कि नीतीश सरकार भी ऐसे लोगों पर नकेल कस रही है। ताजा मामला पटना के कई होटल का है, जहां पर पुलिस ने शनिवार की देर रात एक साथ दबिश की। इस कार्रवाई में हड़कंप मच गया। इस दौरान कंकड़बाग क्षेत्र स्थित होटल फॉर्च्यून में पुलिस ने छापेमारी कर एक वैवाहिक समारोह में भाग लेने आए 6 इंजीनियर को शराब की पार्टी करते गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 4 सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोलकाता के रहने वाले हैं, जबकि 5वां बेगूसराय का और 6ठा गया का रहने वाला बताया गया है। बिहार के 9 जिलों से होकर गुजरेगा राज्य का दूसरा एक्सप्रेसवे। बिहार में जल्द ही एक्सप्रेसवे का जाल बिछने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार रक्सौल से हल्दिया तक राज्य के दूसरे एक्सप्रेसवे निर्माण की तैयारी हो रही है। जानकारों की माने तो ये 6 से 8 लेन का होने वाला है और इस दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण अगले साल से शुरू होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। ये करीब 695 किलोमीटर लंबा होगा, जिसके निर्माण पर 54,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके निर्माण को पूरा करने की समय सीमा साल 2024-25 में तय की गई है। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे की डीपीआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, पटना से कोलकाता तक राज्य का पहला एक्सप्रेसवे बनेगा। सूत्रों के अनुसार गया एक्सप्रेसवे पूरी तरह ग्रीनफील्ड होगा और इसमें बीच में नहीं जोड़ा जा सकेगा। ये राज्य के करीब 9 जिलों से होकर गुजरेगी, जिसमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सारण, पटना, बिहार शरीफ, शेखपुरा, जमुई और बांका शामिल है। बीपीएससी के तहत 13,120 अभ्यर्थियों को मिलेगी नौकरी। बीपीएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा को लेकर बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है, जिसके तहत 13,120 अभ्यर्थियों को नौकरी मिलने की बात कही गई है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए काउंसलिंग 2 दिसंबर से हो सकती है। इसके लिए आयोग की तरफ से प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 2 दिसंबर से 15 दिसंबर तक काउंसलिंग कराने को लेकर आयोग की तरफ से बामेती भवन को लेने की प्रक्रिया भी की गई है। इसके लिए आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने कृषि सचिव को पत्र लिखकर भवन को उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में ढूंढ रहे हैं नौकरी, तो जान ले यह बात। अगर आप भी पटना मेट्रो में नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए हमारी एक खबर कुछ खास है। पटना में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के काम में हाल के दिनों में काफी तेजी आई है। योजना आगे बढ़ाने के लिए पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने कई पदों पर नियुक्तियां भी की है, लेकिन इसका फायदा कुछ ठग भी अब उठाने लगे हैं। पटना मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की कोशिश फिर से शुरू हो गई है। अभ्यर्थियों को इस बाबत फर्जी वेबसाइट, ईमेल, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया के तहत फंसाया जा रहा है। इसको लेकर कंपनी के जीएम ने कहा कि पटना मेट्रो में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी बैंक खाते में राशि मांगे जाने की शिकायत मिल रही है। पटना मेट्रो से जुड़ी वैकेंसी के लिए किसी भी वेबसाइट या एजेंसी को अधिकृत नहीं किया गया है। किसी भी तरह के रोजगार की सूचना नगर विकास और आवास विभाग की वेबसाइट या अखबारों के माध्यम से ही दी जाती है। आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा आखिरी T20 मुकाबला। आज भारत बनाम न्यूजीलैंड के बीच आखिरी T20 मुकाबला खेला जाना है। हालांकि इस मुकाबले से भारतीय टीम को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि भारतीय टीम पहले खेले गए दोनों मैचों को जीत चुकी है। वहीं अगर आज भी जीतने में कामयाब होती है, तो भारतीय टीम अपने नाम अनोखा रिकॉर्ड दर्ज करेगी। वहीं आज खेले जाने वाले मुकाबले की अगर हम बात करें, तो 3 मैच की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन मैदान में खेला जाएगा। पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम इस मैच में क्लीन स्वीप की तरफ देखेगी, तो न्यूजीलैंड की टीम अपना सम्मान बचाने के लिए हुई नजर आएगी। बिहार में चिराग की पार्टी ने बदली रणनीति। बिहार लोजपा रामविलास को पहले विधानसभा और फिर उपचुनाव में किरकिरी का सामना करना पड़ा। यही कारण है कि तब से ही चिराग गुट पार्टी की रणनीति बदलने में लगा हुआ है, जिसके बाद ही अब इस मुद्दे पर बड़ी जानकारी निकल करके सामने आई है। क्योंकि इस मुद्दे को लेकर लोजपा रामविलास के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने अहम जानकारी साझा की है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि चिराग पासवान अब एकला चलो की रणनीति को बदलने वाले हैं, क्योंकि अब पार्टी के हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ना तो उनके पास कोई विधायक है और ना ही विधान पार्षद। चुनाव जीतने वाले इकलौते जनप्रतिनिधि बतौर सांसद चिराग ही बचे हैं। यही कारण है कि अब पार्टी ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में स्थानीय निकाय चुनाव के अलावा प्रदेश के चुनाव होंगे, उसमें भी किसी न किसी गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ा जाएगा। 22 नवंबर को फिर से पटना आ सकते हैं लालू प्रसाद यादव। 22 नवंबर यानी कि सोमवार को एक बार फिर से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के राजस्थानी पटना आने की उम्मीद जताई जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 23
नवंबर को चारा घोटाले के मामले में सुनवाई होनी है, जिसके लिए सभी आरोपियों की फिजिकल अपीयरेंस जरूरी बताई गई है। इसी को लेकर लालू प्रसाद यादव सोमवार को राजधानी पटना पधार सकते हैं। हालांकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि पहली सुनवाई के बाद सशरीर उपस्थित होने की बाध्यता से लालू प्रसाद यादव को छूट मिल सकती है, लेकिन 23 नवंबर को बांका कोषागर में अवैध निकासी से संबंधित मामले की पहली सुनवाई होनी है, इसीलिए लालू यादव जी इस दौरान कोर्ट में उपस्थित हो सकते हैं। 27 नवंबर तक 1 करोड़ से ज्यादा टीकाकरण का रखा गया लक्ष्य। बिहार में कोविड-19 के मामले में भले ही कमी आ रही हो, लेकिन सरकार की यही कोशिश है कि टीकाकरण अभियान को जोर शोर से चलाया जाए। यही कारण है कि बिहार सरकार समय समय पर टीकाकरण को लेकर नए नए लक्ष्य को निर्धारित करती रहती है और उसे पूरा भी कर रही है। इसी बीच बिहार सरकार ने अब एक और नए लक्ष्य को निर्धारित किया है, जिसके तहत 27 नवंबर तक 1,53,00,000 से ज्यादा घरों में कोविड-19 टीकाकरण का लक्ष्य तय किया गया है, जिसकी पुष्टि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की है। इस बाबत स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना टीकाकरण के 100% लक्ष्यों को हासिल करने के लिए राज्य भर में हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत की गई है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार चिराग पासवान को गठबंधन में चुनाव लड़ना चाहिए या एकला चलो की रणनीति ही अपनानी चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।